अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डेवलिशियस स्क्वाड की एक और वीडियो के साथ। इस वक्त हम हैं शीश पार्क में। ये शारजा में पार्क है और खुरफकान रीजन में आता है, माउंटेनियस रीजन है शारजा का, वहाँ पे ये पार्क आता है। बहुत ह्यूज पार्क तो नहीं है, फैमिली पार्क है। इसकी जो है स्पेशलिटी ये है कि ये माउंटेन्स के बीच में है तो नेचर के करीब आ जाता। तो वैसे तो इधर बहुत ह्यूज पार्क्स हैं, लेकिन इस पार्क की जो खासियत है वो यही है कि माउंटेन्स के बीच में, माउंटेनियस रीजन में है तो नेचर के करीब हो जाता है। वैसे आपको पता है कि अमारात जो है वो कंक्रीट का जंगल है, बिल्डिंग्स जो हैं इधर बहुत ज़्यादा हैं, तो नेचर से ज़रा इंसान दूर हो जाता है। तो जब नेचर के करीब दिल करे तो फिर इस साइड का रुख किया जाता है। यहाँ पे आने के लिए जो है रास्ता, वैसे तो गूगल जिंदाबाद है क्योंकि हम आए हैं शारजा से, तो शारजा एयरपोर्ट वाला जो रोड है वो आप लें और उसके बाद 611 का एग्ज़िट लें। 611 का एग्ज़िट ले के आप S142 जो खुरफकान रोड है उसका एग्ज़िट लें और वो फिर खुरफकान रोड जो है सीधी आपको इस पार्क में ले आएगी। ये रोड जो है खुरफकान रोड S142, ये नया बना है आई थिंक 2019 में शायद ये खुला था और काफ़ी नया। अभी इसमें आप जब आएंगे आपको अक्सर जगह पे रोड वर्क्स भी मिलेंगे क्योंकि अक्सर जगह पे रोड वर्क्स चल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी नया रोड है, पूरी तरह खुला नहीं है और जंक्शन जो है वो बन रहे हैं नई रोड्स के साथ, इनको मिलाया जा रहा है। इस रोड पे आप सीधा आते जाएँ, आपको कुछ ना लेफ़्ट पे कुछ मिलेगा ना राइट पे कुछ मिलेगा, सिर्फ आपको सहरा ही मिलेगा। और थोड़ा सा सहरा जब गुजर जाएगा उसके बाद एकदम आपको दूर पहाड़ नज़र आएंगे और देखते देखते आप पहाड़ों की टेरिटरी में आ जाएंगे। इस रोड के ऊपर 5 टनल्स हैं खुरफकान जाने तक, लेकिन यहाँ पे इस पार्क में आने के लिए आप जो हैं पहली टनल क्रॉस करेंगे तो उसके बाद ही राइट पर नीचे उतर के पार्क आ जाता है। इसमें जो है एक इन्होंने छोटी सी ट्रेल बनाई हुई है, हाइकिंग ट्रेल कह लें, तो वो काफ़ी अच्छी है। वो मतलब कि हम जैसे लेज़ी बंदे जो हैं थोड़ा सा चल लेते हैं उसकी वजह से, और वो जो है स्टेयर्स की शक्ल में बनी हुई है, मतलब कि स्टेयर्स बनाई हुई हैं। वो एक मतलब हाइक उस तरह से नहीं है, स्टेयर्स हैं। और उसकी ख़ास बात एक ये भी है कि उन्होंने उसको ख़राब नहीं किया, इसकी लुक को ख़राब नहीं किया, नेचर की लुक को। तो जो इस पहाड़ को काट के जो पत्थर थे, पहाड़ को जो काटा उसके जो पत्थर थे, उन्हीं से इन स्टेयर्स को बनाया और बड़ा अच्छा जो है ना ये बनाया हुआ। और फिर ऊपर आके एक इस पार्क का जो है वो पैनोरामिक व्यू आता है पूरे पार्क का। Thank you.
जी पार्क में आने का जो वाहिद मकसद था वो था रोटी पाड़ना, टिक्के छिक्के खाना, बारबेक्यू करना। तो इस वक्त जो है जी वो काम चलने लगा। पार्क में जो है एक बारबेक्यू एरिया बना हुआ, उसके अंदर रहते हुए बारबेक्यू कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। छोटा सा है, कोई 5-6 स्पॉट्स होंगे बारबेक्यू के लिए। उसके अलावा एक इन्होंने वॉशिंग के लिए भी छोटे छोटे से बेसन लगाए हुए हैं कि अगर आपने कोई अपना हाथ हूँ धोना है, गंदा हो गया या आपको बर्तन धोने हैं कुछ ऐसा है, तो वो बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। अब बस सब्र नहीं हो रहा और अब बस बनाना है और खाना है। मैं लगूँ खाने। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई शेयर ज़रूर करना।